हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे हैं। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अच्छी नहीं थी पर अभी अच्छी हूँ। तबीयत ख़राब हो गया था तो एकदम से घर आना पड़ गया था, तो मैं घर आ गई थी। तो अभी मेरा तबीयत ठीक हो गया है, तो अभी मैं अजीब तो दिख रही हूँ। बालों में इतना सारा तेल जो लगाया है। अभी मेरी बहन मेरा हेयर ऑयलिंग करके वहाँ पे बैठी हुई है, तो अभी मैंने किया है हेयर ऑयलिंग। तो आज है 1 अक्टूबर, तो अक्टूबर का स्टार्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ करते हैं। तो मैंने आज का ब्लॉग स्टार्ट तो कर दिया है। लेट्स सी आज क्या क्या होता है। कुछ भी प्लान नहीं है, जो होगा रैंडमली होगा। एंड मौसम भी बहुत प्यारा है और ऊपर से घर पे है, तो यहाँ पे बना रही है खाना। हेलो हेलो, जब से घर पे आई हूँ तब से खाना बना रही हूँ। अभी हम लोग जा रहे हैं स्कूल, क्योंकि कल है गांधी जयंती, तो आज स्वच्छ भारत का कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर थोड़ा सोशल वर्क के लिए, थोड़ा साफ़ सफाई के लिए अभी हम लोग जा रहे हैं गांव के स्कूल। हम वहां पे जाके साफ़ करेंगे, स्वच्छ भारत अभियान करेंगे। क्यों आरती दी? सफाई करके और चाची ने एक हमारी चाची ने चाय ला के सबको दिया था, तो ये सफाई करके ये ब्लैक टी पीने का मजा ही कुछ अलग है। चीयर्स गाइस। सो गाइस, अभी आरती दे ये कर रही है अंबक ग्वाभा, क्या बोलते हैं, जारना बोलते हैं हमारे यहाँ, तो अंबक जार रही है। इतना अंबक दे चुकी है वो ग्वाभा, ऑर्गेनिक ग्वाभा। अभी उसने झाड़ तो लिया पर उसको मिल ही नहीं रहा है। मिला? नहीं मिला। चलो आ जाओ, इसे बोलते हैं अंबक चोर। हम खा रहे हैं अंबक चुरा के खा रहे हैं। बहुत टेस्टी है, ऑर्गेनिक, सो डिलीशियस। हम वापस आ गए घर। हमारी मम्मी, मम्मी के कौन बाको, क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो? बीन लगा रहे हो? अब ये कब फलेगा और हम खाएंगे सब्जी के लिए, करना तो पड़ेगा। कोई फोटो ले रहे हैं घर का। साल गांधी जयंती का थीम था स्वच्छता ही सेवा, तो फिर आज स्कूल साफ करके बहुत अच्छा लग रहा है। आके घर पे बैठी हुई हूँ, अभी बहुत अच्छा लग रहा है। अरे घर पे मेहमान आए, आते ही खाने बैठ गए। सबसे ज्यादा ये खाती है, ये आ गई है हमारे घर पे, है ना, शगुन होता है शादी जो है, जो शगुन होगा ये। लोगों ने देखा होगा गाइस, मेरे पापा को ना प्लांट का बहुत शौक है। प्लांट का बेसिकली ये ऑर्किड का, तो फिर जितने भी वहाँ पे ऑर्किड्स में अभी आपको दिखाती हूँ, वो सारा ऑर्किड्स पापा ने खुद बाजार से ला के यहाँ पे रोप के, उसके बाद वो बहुत केयर करते हैं, तो वो ऑर्किड्स का इतना ज़्यादा केयर करते हैं वो। मैं दिखाती हूँ थोड़ी देर में आपको। अब तुम फिर क्या बना रही हो?
सॉरी सॉरी आलू फ्राई गरेको त हिन्दीमै पनि बता दो नेपालीमै पनि बता दिया कैसे नहीं आता है गाइस इस लड़की को हिंदी बहुत अच्छे से आता है बोल बोल हम पीछे पीछे जाएंगे तो इसने बनाया है यहाँ पे आलू फ्राई और आलू फ्राई के साथ ये पुदीना की चटनी भी बना रही है जो हम यहाँ पे सिलबट्टे में पीस के बनाते हैं यहाँ पे ग्राइंडर में बिल्कुल भी मीठा नहीं होता है अच्छा नहीं लगता है ग्राइंडर में ना इसीलिए सिलबट्टे में भी पीस के बनाती है ना मम्मी भी कुछ वहाँ पे ढूंढ रही है अब मम्मी के सामने ज़्यादा कैमरा लेके नहीं जा सकते ना क्या पता कभी भी नाराज हो सकती है ये हमारा प्योर घी है घी हाँ गाइस ये गाय का प्योर घी है हाँ ये करेला का अचार है मम्मी ने बनाया है बहुत प्यारा प्यारा चीज़ है हाँ मम्मी आप पिस्ता खाओ चलो अब हम देखते हैं कि बाकी लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं अंदर दो लड़कियां यहाँ पर बैठी हुई है ओ माय गॉड ये देखो नहीं उर्फी वाला वीडियो देखेंगे ये सबसे पहले नहीं आप उर्फी वाला वीडियो देख रहे हैं गोयो क्या कर रहे हो आप लोग रील्स देख रहे हो आपको किचन में जाके अमुक को हाथ नहीं बटाना है क्यों नहीं बटाना है नहीं बटाना है ऐसे ही ये चामरे क्या होता है चामरे चामरे होता है दिखा दो थोड़ा चामरे हो गया काम तो मैंने ये है लंच अमू ने बनाया है ये चावल है ये आलूदम है ये चटनी है ये घी के साथ बनाया है तो इसलिए इसको चामरे बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में और गाइस आपको दिखाती हूँ ये हमारे घर पे फला हुआ क्यूकम्बर है मोटा वाला इसका हम क्या करेंगे मेरा ये जितना भी नहीं है ये बड़ा है नहीं उतना ही है कैसा लगा अच्छा ही है गाइस मैंने बनाया था तो और अच्छा था बहुत पीरो है दादू बहुत पीरो है गाइज इतना पीरो बनाया इसने मतलब पीरो मतलब तीखा ये भी छास पीने के लिए लाइट पे मैं भी छास पीने के लिए लाइट पे ये भी प्रीतिका दीदी भी बात पी रही है बहुत पीरो बनाया है गाइज इसने यहाँ पे फेडरेशन का मीटिंग हो रहा है ज्यादा लड़कियां होने से फेडरेशन का मीटिंग हो रहा है करते करते अभी आज का भी व्लॉग यहीं पे एंड करके मैं भी आप सबको करती हूँ बाय बाय थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग गाइज विल सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग बाय बाय